महाशिवरात्रि के उपलक्ष में शिव शक्ति सर्व औषधि महायज्ञ किया जा रहा है। इस महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और मानव कल्याण है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव शक्ति सर्व औषधि महायज्ञ एवं निशुल्क रुद्राक्ष धारण कार्यक्रम नीमच में हो रहा है। प्रसिद्ध संत पंडित प्रशांत व्यास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पंचकुंडी तीन दिवसीय महायज्ञ भी किया जाएगा। तीन दिवसीय महायज्ञ 27 दिसंबर से प्रारंभ होगा जो 1 मार्च तक चलेगा। पूर्णाहुति एवं रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम 1 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर होगी। संपूर्ण कार्यक्रम जवान नगर स्थित विनु वाटिका जांगड़ ब्राह्मण धर्मशाला के पीछे होगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पंडित प्रशांत व्यास ने कहा कि रुद्राक्ष को जीवन में धारण करने से सारे कष्टों का हरण होता है, इसलिए 1 मार्च को रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम भी रखा गया है और रुद्राक्ष बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क दिए जाएंगे। तीन दिवसीय महायज्ञ में सर्व औषधि महायज्ञ है जो कि कोरोना महामारी की मुक्ति के लिए किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव शक्ति सर्व औषधि यज्ञ किया जा रहा है। पिछले 24 साल से संपूर्ण भारतवर्ष में निरंतर हमारे सभी ब्राह्मणों द्वारा निरंतर भारत देश के अनेक सिद्ध स्थानों पर यज्ञ किए जा रहे हैं, जन कल्याण के लिए और विश्व शांति और देश में आनंद मंगल के लिए आयोजन किया जा रहा है। 25 तारीख से यहां अनुष्ठान आरंभ होगा और 27 तारीख, 28 और 1 मार्च तीन दिवसीय पंचकुंडीय शिव शक्ति सर्व औषधि महायज्ञ हो रहा है। नीमच के इतिहास में पहली बार सर्व औषधि यज्ञियाँ होने जा रहा है, जिसमें 64 औषधियाँ मंदसौर, नीमच जिले, शाजापुर और उज्जैन से उनको कलेक्ट किया गया और विधिवत उनको तैयार किया गया और उसी औषधि के द्वारा यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा एक ऋषि परंपराओं के अनुसार यह यज्ञ होगा। और हमारा यही उद्देश्य है कि पूरा नीमच नगर, नीमच क्षेत्र के सभी जन निरोग रहें, स्वस्थ रहें और सभी का कल्याण हो और विश्व की शांति के लिए यज्ञ किया जा रहा है। और इसी यज्ञ में महामृत्युंजय से प्रतिवर्ष 5 लाख रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं और वही रुद्राक्ष पूर्णाहुति के दिन संपूर्ण भारत में निःशुल्क धारण करवाए जाते हैं और इसीलिए यहाँ रुद्राक्ष सिद्ध करके शिवरात्रि के दिन 12:30 बजे पूर्णाहुति के समय ये रुद्राक्ष भी धारण करवाए जाएंगे। दिवसीय महायज्ञ के लिए जवान नगर स्थित विनु वाटिका में भूमि पूजन किया गया एवं ध्वजा चढ़ाई गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडित प्रशांत व्यास द्वारा भूमि पूजन कर ध्वजा चढ़ाई गई और कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई है। श्री पंडित प्रशांत व्यास ने नीमच की धर्मप्रेमी जनता से अपील की है कि वे महायज्ञ में शामिल हों और रुद्राक्ष धारण कर अपने जीवन के कष्टों का निवारण कराएं।